रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र तथा भावनात्मक पर्व है। ये सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे रेशम के धागे से बनी राखी बांधती है और अपने भाई के लिए दुआ करती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन पर निबंध लिखे 200 शब्दों में। कल रक्षाबंधन है, तुम लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या हुआ, तुझे घर नहीं जाना? कुछ नहीं, तुम लोग की तरह मैं लकी नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोलती है यार? और नहीं तो क्या, तुम सभी कितनी लकी है, सभी का भाई है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला। तुझे अब घर नहीं जाना? नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी। तू जा, वैसे भी मेरा कोई नहीं है। ठीक है फिर, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। क्यों, तेरा तो भाई है ना, तो फिर क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि तुम नहीं जाओगी यार। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरे भाई से मिलने। तेरे साथ? हाँ चल। तो भैया मोतीपुर ट्रेन की 2 टिकट 40 रुपए का है। भैया लेकिन सिर्फ मेरे पास 20 रुपए है। 20 रुपए का एक ही टिकट होगा। एक काम कर, तू जा, मैं कभी और चलूंगी। चल यहाँ से। भैया मोतीपुर जाने वाली बस कितने बजे आती है? बेटा आज मोतीपुर जाने के लिए कोई बस नहीं है। मोतीपुर के लिए पैसेंजर नहीं ले जाइएगा? नहीं, आज घर जा रहा हूँ। क्या कर रही हो, नीचे उतरो। भैया मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, प्लीज मुझे ले चलो ना। प्लीज। ठीक है बेटा, आओ आगे बैठ जाओ।
चलो उठो बेटा, मूर्तिपुर आ गया। थैंक यू भैया। स्पीड को रखे क्यों मान रही हो? अगर कभी मुझे कुछ हो जाए या मैं ना रहूं तो ये मैं समझना कि तेरा कोई भाई नहीं है। ये पेड़ है ना, हमेशा तेरे साथ रहेगा और तेरा ख्याल रखेगा। मेरे भाई को राखी बांध दो, आज से ये तेरा भी भाई है। Hi everyone, this is Roshan here. So thanks for watching our film Bandhan. और मैं चाहती हूँ आप अभी इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपने हर नए वीडियो से अपडेट करते रहे। यहाँ क्लिक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? अब तो सब्सक्राइब कर दो। Okay, bye, take care. See you soon.